टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का फिनोमिना अगर समझना है तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जरा ध्यान से देखना मैं कैसे लगा रहा हूं। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक, ये मान लो एक डेंसर मीडियम है, जैसे ये वाटर है, जैसे ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है, और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, कुछ भी है। अब होगा क्या, लाइट निकल रही है, जो लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है, देखो वो बेंड नहीं होगी बिकॉज नॉर्मल के साथ जा रही है, डन। लेकिन जो थोड़ी टेढ़ी जा रही है उसकी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होएगी, रिफ्रैक्शन ये रहा, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, रिफ्रैक्शन कितना है आर, कोई डाउट इसमें। सपोज करो जो लाइट थोड़ी सी और दूर आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, सच दैट इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ा रहे हैं, बढ़ गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया, आई बढ़ा तो आर बढ़ गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब क्या हुआ, इसके अंदर सपोज करो किसी ने और ज्यादा इसको बेंड करवा दिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कर दिया, मतलब वो आई बढ़ाता जा रहा है और लाइट का आर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्नेल लॉ कहते हैं साइन आई बाई साइन आर इज अ म्यू, म्यू इज अ कांस्टेंट, अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तो आई बढ़ गया आर बढ़ गया। अब हुआ क्या, आर कितना बढ़ गया, आर इतना बढ़ गया कि लाइट जो है वो बिल्कुल सरफेस के साथ चली गई और आर कितना हो गया 90। देखो आपने इस एंगल पे करवाया कि वो बेंड होती गई, रिफ्रैक्ट होती गई और एक ऐसा एंगल आ गया जब रिफ्रैक्शन कितनी हो गई 90, तो इस स्पेशल एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है इन डेंसर मीडियम, ये क्रिटिकल एंगल किसमें बन रहे हैं, डेंसर में, ताकि रिफ्रैक्शन का एंगल इन रेयरर मीडियम कितना हो जाए 90। हो गया यहां तक क्लियर है, तो आप आई बढ़ाते रहो, आर बढ़ गया, आर 90 हो गया, आप फिर भी नहीं हटे, आप कहते हो और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना है। ये देखो जब आपने और एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही बढ़ाया, बढ़ा दिया, यानी कि आपने एंगल क्या कर दिया, ग्रेटर देन क्रिटिकल कर दिया, तो जैसे ही आपने ग्रेटर क्रिटिकल किया, रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन क्या बन गया 90, और लाइट हवा में बाहर आने की बजाय वापस पानी में ही चली गई, क्यों गई, रिफ्रैक्शन हो गया, पर एक्चुअल में देखने में क्या हो रहा है, लाइट क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया यहां तक, तो TIR क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि बेसिक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, आप आई बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, आर बढ़ता जा रहा है, आर ही ग्रेटर देन 90 हो गया, लाइट वापस ही आ गई, बात ही खत्म। तो इसलिए TIR इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर, ये लिखना जरूरी है, डेंसर से रेयरर जाते हुए प्रॉब्लम आ रही है, ये डेंसर से रेयरर का फिनोमिना है, ये डेंसर मीडियम गेट्स इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्लियर है यहां तक, तो ये आपका TIR है, तो आप देख सकते हैं सेम चीज में बता रहा था, क्रिटिकल एंगल पे 90 है, फिर ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो वापस आ गई, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम, कोई नई चीज़ नहीं है, सेम अलग अलग जगह से ले रखे हैं, जरूरत नहीं है। पेपर में आता है व्हाट इज TIR, राइट टू कंडीशन फॉर TIR टू अकर, तो पहली कंडीशन, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रेयर से डेंसर नहीं होगा, डेंसर टू रेयर में होगा, और दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। तो दो कंडीशंस क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो आपका एंगल जो इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल होना चाहिए, तो कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब जैसे सपोज करना बंद, तो वो वीडियो जैसी भी है जरा ध्यान से देख लेना, बुरी भी नहीं है इतनी, दिखाने का ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है, इसके लिए आपको आधी बोतल पानी, डिटॉल की चंद बूंदे और एक टॉय लेजर पॉइंटर चाहिए। डिटॉल की चंद बूंदों को आप आधी बोतल पानी में डाल दें। डिटॉल का उद्देश्य ये है, ये पानी जो है अब
पारदर्शी के बजाय थोड़ा सा गदला हो जाएगा, हेजी हो जाएगा और इसमें से हम लेज़र की किरण को देख पाए। उसके बाद में डिटॉल और पानी को अच्छी तरह से मिला लें, फिर टॉय का लेज़र लें और उसको सीधा पॉइंट करें। ये किरण जो है सीधी रेखा के अंदर पानी में से गुजर जाएगी, पर जैसे जैसे आप लेज़र को टेढ़ा करेंगे वो पानी की सतह से टकराएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और आप किरण को मुड़ते हुए देख पाएंगे। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। उसके बाद में देखा आपने TIR, एक और चीज दिखाता हूं आपको TIR की, बहुत सही है वो भी। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर, इधर देखना एक बार, वो एक एक बकेट ले रहा है, होल कर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, पानी पानी नीचे गिर रहा है। आप सिर्फ ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, पानी नीचे गिर रहा है, उसने अंदर लेजर रखी, लाइट को रिफ्रैक्ट होके हवा में आ जाना चाहिए था। यहाँ एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल बना होगा और क्रिटिकल से बड़ा बना होगा तो लाइट पानी में वापस आ गई, फिर टकराई, फिर ग्रेटर देन क्रिटिकल, फिर ग्रेटर देन क्रिटिकल, पानी के अंदर अंदर लाइट चलेगी, बाहर आ ही नहीं पाई। ये फिनोमेना एक्चुअल में होता है और आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल जियो वाले बिछा भी रहे हैं जगह जगह, तो ब्रॉडबैंड भी लगता है ऑप्टिकल फाइबर से, तो उसमें थोड़ी सी बहुत पतली वायर होती है उसमें लाइट ट्रेवल करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर वायर इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप कोई भी, अगर मान लो जो कोई भी काम कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, कंप्यूटर है, मेल या वीडियो देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सेंड करना चाहते हो कुछ चीज़, सेंड करोगे तो कैसे करोगे, आप सेंड का बटन दबाओगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है कंप्यूटर या मोबाइल, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लाइट में, मॉडम लगे होते हैं, मॉडम का काम यही है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इक्विवेलेंट लाइट में कन्वर्ट करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टाइम लेता है ट्रेवल करने में, लाइट 3×10^8 बहुत कुछ भी टाइम नहीं है, तो विद इन नो टाइम क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट है वो फटाफट ट्रेवल कर जाएगी, आपका जो डेटा है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है और वापस जो मॉडम लगा होगा वो वापस लाइट को फिर कन्वर्ट कर देगा, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, अब वापस वो डाउनलोडिंग या डेटा है एज इट इज वापस आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी चल रही है ब्रॉडबैंड और इसमें ये लगती है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम काम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ TIR, पर आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है।